वेलकम दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस ना। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये गेट पर्दा डिज़ाइन बना के बताऊँगी, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये गेट पर्दा डिज़ाइन बनाना सीख पाएँ। इसमें डबल भी बना हुआ है, दो भी बना हुआ है इस शेप में, और साइड से लड़ी गिराया गया और बीच में राउंड किया गया है। तो अगर आप ये दोनों भी बनाना सीख लेते हैं तो फिर आप आसानी से इसमें राउंड और लड़ी गिरा सकते हैं, क्योंकि लड़ी बहुत इजी है, एक ही डिज़ाइन का लड़ी है, तो आप आसानी से इसे बनाना भी सीख जाएंगे। इसमें फ्लावर्स भी लगाए गए हैं, और भी इसे खूबसूरत बनाना हो तो और भी आप इसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए अब इस गेट पर्दा को कैसे बनाया गया है वो स्टेप्स को हम फॉलो करते देखते हैं। इस गेट को आप अच्छे से पहले देख लीजिए, देखिए इसमें इस टाइप का लड़ी लगा हुआ गजरा वाला। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखिए हमने पहले से ही एक भी बना लिया गेट बना हुआ, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और फिर दो गुल्ली, फिर पांच, फिर दो गुल्ली, फिर पांच घर, इस तरह से करके देखिए कि पांच घर है, फिर गैपिंग, फिर दो गुल्ली, इस तरह से करके हमें घर बनाना है। कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 है एक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पांच है तो नीचे घर घट रहा है और यहाँ पे घर बढ़ रहा है। तो ऐसा मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, बट मैं इसमें भी आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। इस तरह से ये घटते हुए बनेगा, देखिए साइड में इस तरह से घटते घटते हमारा एक घर आ जाएगा इतना पे। तो हमें दूसरे साइड भी सेम इसी तरह का भी बनाना है, तो अब मैं इसमें आपको बताऊँगी। पहले पट्टी का आधा कर लेना है और आधे भाग में एक भी बना लेना है, फिर दूसरे आधे भाग में हमें दूसरा भी बनाना है। तो हम डबल उनका यूज़ कर रहे हैं, हमने फंदा बना लिया और यहाँ पे हमें इसे इस तरह से बांध लेना है, और यहाँ पे हम एक फंदा और इसे डबल कर लेंगे, फिर दो फंदा ले लेना है, और फिर हमें दो चैन ले लेना है, और फिर थोड़ी सी दूरी पे इसी तरह हमें डबल फंदा लेना है इस तरह से, और फिर हमें दो चैन लेना है, फिर हम डबल फंदा लेंगे, और हम फिर दो चैन लेंगे। इस तरह से करके हमें पांच बनाना है, तो तीन हो चुका है, ये चौथा हम बना रहे हैं। फिर दो चैन ले लेना है, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारा पांच खंड बन चुका है। अब यहाँ पे हम दो चैन ले लेंगे और यहाँ पे एक गुल्ली तैयार करेंगे, एक गुल्ली रेडी कर लेना है, उसके बाद फिर हम दो चैन लेंगे और फिर एक गुल्ली रेडी करेंगे। तो ये डबल उनका यूज़ हो रहा है, तो जल्दी से गुल्ली बन के रेडी हो जाएगा। सिंगल यूज़ रहता है, सिंगल ऊन रहता है तो दिक्कत होती है थोड़ी। फिर यहाँ पर एक और गुल्ली बना लेना है दो चैन लेने के बाद, देखिए इस तरह से। डबल करके हमें जितनी मोटाई रखनी हो आप अपने हिसाब से, जितना इसे मोटा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप गुल्ली की मोटाई रखें, और फिर इसे हमें बांध लेना है। तो देखिए पांच इधर हमने बनाया था, फिर और एक गुल्ली, फिर हमने एक गुल्ली बनाई, फिर थोड़ी सी दूरी पे देख लेंगे और फिर यहाँ पे सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने इस साइड पांच घर जो बनाए हैं डबल डबल फंदा लेकर, उसी तरह से हम यहाँ भी बनाएंगे। देखिए दो, और फिर हमें दो चैन ले लेना है, फिर सेम इसी तरह से जो यहाँ है उसी को हम यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह ये पहला स्टेप टोटल पट्टी में हमें यही स्टेप कर लेना है, पाँच खंड, फिर दो गुल्ली, फिर पांच खंड, इस तरह से करके पहला स्टेप होगा।
तीन हो चुका है, दो चैन। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए इस टाइप का, फिर यहाँ पे हमें डबल गुल्ली बना लेना है। तो इस तरह से डबल गुल्ली बना के फिर सेम हमें पांच फंदा बनाना है जैसे इस साइड बना हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, इस तरह से हम टोटल पट्टी में कर लेंगे यहाँ तक। जैसे इसमें देखिए बना हुआ उतना ही घर हमें इसमें भी बना लेना है पांच। तो देखिए एक दो तीन चार पांच, इस तरह से पांच बन गया हमारा। अब जब हमारा पांच हो जाए तो हम इसे पलट लेंगे, बीच में थोड़ा सा गैपिंग हमने छोड़ दिया है। अब हमें इसे पलट लेना है और यहाँ पे जहाँ जहाँ पांच है वहाँ पे अब हमें चार फंदा लेना है। देखिए चार फंदा लेंगे, यहाँ पे पांच है तो चार लेंगे। इसमें घर घटता हुआ एक जब तक ना हो जाए तब तक हमें इसे बनाते रहना है। तो यहाँ पे दो तीन चैन ले लेंगे और यहाँ पे इसे देखिए बांध लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर से जो खाली घर है उसे फिल कर लेना, उसे भर लेना, मतलब उसके अंदर से हमें डबल फंदा लेना है, फिर दो चैन लेना है, फिर उसके अंदर से हमें दो चैन लेना है। तो यहाँ पे देखिए दो हो गया है, फिर हमें डबल चैन ले लेना है, फिर इसके अंदर से हमें निकालना है। इसी तरह करके हमें चार खंड बनाना है क्योंकि नीचे हमने पांच बनाया था तो अब हमें चार बनाना है। इस तरह से ये चार हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक गुल्ली बनाना है। एक गुल्ली बना के और आपको जितनी मोटाई रखनी हो उस हिसाब से रखें। इसे हम अब बांध लेंगे। उसके बाद हम एक चैन ले लेंगे और ये जो दो गुल्ली हमने बनाया है उसके बीचों बीच, दोनों गुल्ली के बीच में जो एक चैन हमने लिया था उस चैन के अंदर से हमें यहाँ पे डबल लेना है फंदा। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे गुल्ली बना लेना है। एक गुल्ली बनाने के बाद हमें इसे बांध लेना। उसके बाद देखिए जब हम इस घर में आएंगे तो यहाँ पे हमें चार, मतलब पांच जो था उसे हमें चार कर लेना। ये सेकेंड स्टेप हुआ हमारा, यहाँ पे पांच, फिर एक गुल्ली, एक घर, फिर एक गुल्ली और फिर यहाँ पे हमें चार लेना है। फिर सेम इसी तरह से ये स्टेप्स को रिपीट करते हुए जाना है। देखिए सेम इसी तरह से फिर यहाँ एक गुल्ली बनाएंगे और सेम यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे पूरे में। अब हम अगला सेम इसी तरह से घर घटाते हुए जाएंगे और इसके बीच में से डबल लेंगे। जैसे यहाँ चार है
तो इसमें अब हमें तीन बनाना है। देखिए यहाँ तीन बनेगा खंड, चार है तो इसे बांध लेना है यहाँ पे टाइट करके, तब एक घर है हमारा साइड से घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें जो खाली घर है वहाँ उसमें से हमें तीन, मतलब तीन खंड ही बचेगा, तो यहाँ पे हमारा चार था, इसमें हमारा तीन बनेगा। और डबल चैन हमें ले लेना है इस तरह से। देखिए हमारा तीन फंदा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, एक गुल्ली बनाएंगे। तीन फंदा होने के बाद इसे बांध लेंगे। उसके बाद हम ये जो हमने एक फंदा लिया था, इसके साइड से हम डबल फंदा निकालेंगे इस तरह से, एक और निकालेंगे और फिर हम दो चैन लेंगे और फिर हम इस साइड से निकालेंगे और हम फिर एक गुल्ली बनाएंगे। एक गुल्ली बना लेना और फिर यहाँ पे तीन, देखिए इस तरह से एक गुल्ली बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें जैसे यहाँ पे चार है तो यहाँ पे हमें तीन लेना है। तो थर्ड स्टेप में हमें सब में यही करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने पांच लिया था डबल गुल्ली, फिर सेकेंड स्टेप में चार घर था, एक गुल्ली एक घर, फिर एक गुल्ली करके फिर था, फिर थर्ड वाले में तीन था। तो ये जो है तीन, ये घटते हुए एक आ जाएगा और जो घर बढ़ रहा है जिसमें एक दो करके वो पांच तक जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड स्टेप है। सेम इसी तरह से हम इसमें भी कर लेंगे टोटल में, जैसे यहाँ पे गुल्ली यहाँ बनाएंगे फिर इसमें तीन, तो इसी तरह से हमें टोटल कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे फोर्थ, चौथा जो स्टेप है उस स्टेप को देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे तीन है तो अब इसमें दो बनेगा, तो इसे हमें बांध लेना है। उसके बाद इसके अंदर से हमें निकालना है एक फंदा और ये डबल दो फंदा और फिर हमें दो चैन लेना है, फिर दूसरे घर से हमें निकालना है डबल। देखिए तो इस तरह से दो हो गया। अब हमें एक गुल्ली बनाना है, और इसे बांध लेना है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे जब आना तो इसके साइड से मिलेंगे, इसमें हमें फंदा बढ़ाना है, दो था तो अब हमें इसमें तीन कर लेना है। तो साइड में हमने एक ले लिया और एक हमने दोनों
बीच से ले लिया और फिर हम दो चैन लेने के बाद इस साइड से गुल्ली के साइड से ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा तीन खंड बन चुका है। देखिए एक दो तीन। अब यहाँ पे हमें फिर एक गुल्ली बनाना है और इसमें इसी तरह से देखिए बन गया है, ये स्टेप कंप्लीट है। तो अब हमें क्या करना है, साइड में यहाँ पे हमें दो हो चुका है तो यहाँ पे अब हम एक बनाएंगे। और इसे बांध लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक फंदा और ये दूसरा फंदा। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ पे लास्ट एक घर हो चुका है तो ये इसका लास्ट स्टेप है। यहाँ पे गुल्ली बना लेना है। और इसे बांध लेना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें तीन है तो अब हमारा इसमें चार बनेगा। इस साइड से एक डबल लेना है और इसे बांध लेना है। फिर दो चैन लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमें चार बना लेना है। साइड में हमारा घर घट के एक हो चुका है। जब वहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे हमारा चार घर बन के रेडी हो जाएगा। देखिए तीन हो चुका है और ये हमारा लास्ट में हम लेंगे गुल्ली के साइड में। तो यहाँ पे हमारा चार घर बन के रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें गुल्ली बनाएंगे। देखिए पांच गुल्ली हो चुका है और यहाँ पे हमें गुल्ली बनाएंगे और फिर सेम इसे स्टेप्स को पूरे में रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे इसे हमें बांध लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डबल घर है तो इसके अंदर से एक बना लेना है। सेम यही स्टेप हमें पूरे स्टेप में करना है, पूरे में यही फॉलो करना है। देख तो इस तरह से ये हमारा एक पूरा स्टेप कंप्लीट हुआ। सेम इसी स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम सेकेंड लेयर में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से पहले एक एक हो जाएगा तो इसमें देखिए चार और इसमें एक हो चुका है। अब हम यहाँ से उनको कट कर लेंगे साइड से, क्योंकि जैसे ही एक हो जाता है तो हमारा यहाँ काम ख़त्म। अब हम इसे कट करके हटा लेंगे। ये पहला स्टेप पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें नेक्स्ट स्टेप जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए हमें जहाँ चार है वहाँ से पाँच घर बना के स्टार्ट करना होगा। जैसे हमने शुरू में पाँच घर बना के स्टार्ट किया था उसी तरह यहाँ पे अब हमें यहाँ देखिए यहाँ चार है तो हम साइड में एक ले लेंगे। यहाँ पे एक फंदा बन जाएगा, पहले से बांध लेना है और फिर यहाँ पे हम डबल लेंगे। यहाँ पे फिर दो चैन, फिर इसके अंदर से इस तरह से करके हमें यहाँ पांच बना लेना है। दो चैन, एक स्टेप जो हमने ये बता दिया आपको, ये यही स्टेप जो है यही स्टेप टोटल में रिपीट है। आपको अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिए, आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। फिर दो चैन, फिर साइड में हमें लेना। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पांच तैयार हो चुका है जो चार था।
अब 5 रेडी हो चुका है, तो अब हम फिर से जैसे हमने शुरू में घर जो बनाया था 5 के बाद डबल गुल्ली लिया था, तो यहाँ पे हम फिर से 2 गुल्ली बनाएंगे। यहाँ से हमारा फिर से एक नया घर स्टार्ट होगा। जैसे ही हमारा हर घर 1 पे आ जाएगा और घट के इधर वाला 4 पे आ जाएगा बढ़ के, तो वहाँ से हमारा नया घर स्टार्ट होता है बन के। तो एक गुल्ली बन चुका है, अब यहाँ फिर 2 चेन ले लेंगे और एक और गुल्ली बना लेंगे। देखिए इस तरह से एक घर और बन चुका है, एक गुल्ली और। डबल गुल्ली होने के बाद हमें जो यहाँ पे 4 है इसमें हम 5 बना लेंगे, तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इसी तरह से हमें टोटल में कर लेना है, यहाँ 5 बना लेना है, फिर 2 गुल्ली लेना है, फिर 5 बना लेना है। इसी तरह से हमें टोटल स्टेप में यही फॉलो करना है। जैसे इसके बाद वो सारे स्टेप्स होंगे जो हमने शुरू में किया था। 5 हुआ है तो अब हमारा घट के 4 हो जाएगा और यहाँ पे एक घर नया बन जाएगा। इसी तरह से हमें जैसे हमने शुरू में पूरा स्टेप फॉलो किया था, उसी तरह से हमें सारा स्टेप फॉलो करना है। देखिए इस तरह से हमें टोटल एक घर नया बना लेना है सब में। और उसके बाद जब हम उधर से रिटर्न आएंगे, तो जैसे उसमें था 5, तो अब घर घटना स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 5 हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 है तो फिर घर घटना स्टार्ट हुआ है, और जिसमें डबल गुल्ली उसमें फिर घर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से जब साइड में हमारा एक घर आ जाएगा तो फिर हम उस घर को छोड़ देंगे, फिर से नया घर बनाएंगे। इसी तरह से करते करते हमारा ये घर घटते हुए 1 आ जाएगा, 5 है तो 5, देखिए इस तरह से 3 2 1, इस तरह से हमारा ये बन के पूरा रेडी होगा। आप उसी स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो सेम इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फंदा 4 है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कर लेंगे, लास्ट में जब हमारा ये बच जाएगा तो यहाँ पे हम इसे भी बना लेंगे, मतलब यहाँ पे हम देखिए घर घटा लेंगे 2, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हम बना लेंगे, फिर 5 के बाद 4 3 2 1, इस तरह से करके हम यहाँ पे भी बना लेंगे। अब इसे पलट लेना है, 5 हो गया, अब हम इसमें 4 बनाएंगे, फिर 3 2 1, इसमें 4 बन जाएगा। देखिए अब हमें इसमें 3 बना लेना है, बांध लेना है साइड में इस तरह से, उसके बाद हम इसमें 3 बना लेंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दो घर कर लेना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक हो जाएगा। जैसे ही हमारा एक हो जाए यहाँ पे हमें कट कर लेना है। कि हमारा भी पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब जो भी एक्स्ट्रा ऊन है हम उसे कट करके हटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डबल भी रेडी हो चुका है। देखिए इस तरह से साइड में, और ये देखिए पाँच, इधर भी पाँच, पाँच चार तीन दो एक, इस तरह से दो भी बना के हमने रेडी कर लिया है। इस तरह से आप भी बना के रेडी कर लेंगे इसे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो बीच में हमने गैपिंग छोड़ा था यहाँ पे हमें इस भी में इस तरह से बांध लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक दो तीन चार पाँच छः ले लेना है। और इसमें से जैसे हम गुल्ली बनाते हैं उसी तरह से पहले हम गुल्ली की तरह इसमें से निकाल लेंगे। दस आठ, जितना आप, ये डबल ऊन है तो डबल हो जाएगा, पांच भी निकालेंगे तो इसमें दस फंदा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें गुल्ली की तरह निकाल लेना है। और क्रूस निकालने के बाद इसे आधा आधा कर लेना है। और इसके जो नीचे वाले चैन है उसके अंदर हमें क्रूस डाल के और इस तरह से फंदा फंसा के और दोनों को अलग करके इस तरह से हमें टाइट करके यहाँ पे बांध लेना है इस तरह से। उसके बाद हम फिर से पांच छह लेंगे और फिर सेम हम इसी तरह बनाएंगे। फिर हम गुल्ली की तरह लेंगे इसमें से तो देखिए ये पहला राउंड है, इसमें हमने तीन बनाया है और यहाँ पे हमें इसे बांध लेना है पहले वाले चैन के अंदर, हमें इसे बांध लेना है। इस तरह से टाइट करके उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फिर दूसरे यहाँ से फिर सेम इसी तरह से हम इसे तीन है तो इसमें चार पाँच इसी तरह करके मैं घर बढ़ाते हुए पूरे राउंड में हमें सेम इसी को स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखिए इस तरह से हमें सब में फ्लावर्स लगा लेना है और बीच में जो हमने बताया था देखिए इस तरह से ये फिर से बड़ा। तो इस तरह से हमने टोटल ये इतना भी आधा ये कम्प्लीट है। देखिए इस तरह से उससे बड़ा उससे सेम उसी तरह करते करते हमें नीचे जो भी का एक है
वहाँ तक जब तक ना आ जाए तब तक हमें इसे राउंड करके और उससे घर बढ़ाते हुए बनाना है। तो चलिए अब फाइनली गेट को देखते हैं कि कैसे बन के रेडी हुआ है। तो देखिए इस तरह से पूरा बन के गेट रेडी हो चुका है और साइड में हमने इस तरह का लरी गिराया है, जो सेम इस तरह से जो बीच में हमने लरी बताया था आपको, सेम उसी तरह से बना के हमें उसमें बस फ्लावर्स लगा लेने हैं। और बीच में देखिए ये राउंड बना हुआ है और इस साइड भी इस तरह से लरी गिरा हुआ है। देखिए इस तरह से ये हमारा टोटल गेट बन के रेडी हुआ है। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा गेट पर डिज़ाइन कैसा लगा और आप इसे बनाना सीख पाए या नहीं सीख पाए। देखिए इस तरह से टोटल ये बन के रेडी हुआ है। बीच में इस तरह से भी बनाया गया है और राउंड किया गया है, सेम वो लड़ी जो मैंने आपको बता दिया है वो लड़ी उसी तरह से बन के रेडी होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।